नमस्कार, पाथफाइंडर स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कल हम लोगों ने चर्चा की थी प्राचीन भारत इतिहास के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है पाषाण काल, उसमें हम लोगों ने 25 प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज उसके आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक से संबंधित अन्य प्रश्नों को देखेंगे और पूरा टॉपिक ये जो पाषाण काल है इसको आज हम लोग पूर्ण करेंगे। तो देखते हैं आज के प्रश्नों को, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए और फिर इस पर आइए, तो एक तारतम्यता बनी रहेगी और अच्छे से ये चीजें समझ में आएंगी। तो देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज के ये पहला प्रश्न है और इस क्रम में इस टॉपिक के अंतर्गत ये 26वां प्रश्न है। पूछा जा रहा भारतीय प्रागैतिहास के जनक हैं, तो किसे कहा जाता है भारतीय प्रागैतिहास का जनक? तो प्रागैतिहास का जनक कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट, वही रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्हें 1863 में चेन्नई के निकट पलवरम से हस्त कुठार मिला था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, रॉबर्ट ब्रूसफुट। नेक्स्ट देखते हैं, उत्खनित प्रमाणों के आधार पर पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। जो पशुपालन है, जो भी हमें पुरातात्विक जितनी भी जानकारी मिली है तो वो हमें कैसे मिलती है, जो भी हमें रिमेनिंग जो रिमेन्स मिले हैं उन्हीं के आधार पर इन सब चीजों का ज्ञान हुआ कि कब किस चीज की शुरुआत हुई। तो जो भी उत्खनित प्रमाण है उनके आधार पर कब पशुपालन का प्रारंभ हुआ, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, निम्न पूर्व पाषाण काल है, मध्य पूर्व पाषाण काल है, ऊपरी यानी कि उच्च पूर्व पाषाण काल है, या फिर मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल। तो जो पशुपालन है इसका प्रारंभ तो हो गया था मध्य पाषाण काल में, और ये विस्तृत रूप में पहुंचा नवपाषाण काल में, क्योंकि नवपाषाण काल में आप देखते हैं कृषि का भी उत्पादन शुरू हो गया था, कृषि कार्य भी शुरू हो गए थे, कृषि अस्तित्व में आई। तो जाहिर सी बात है कि जो कृषि कार्य है उसके लिए भी पशुओं की आवश्यकता पड़ती थी। तो मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हो गया था नवपाषाण काल तक ये, और अपने वृद्धि किया पशुपालन में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रारंभ, तो प्रारंभ कब हुआ था मध्य पाषाण काल? अगर सिर्फ मध्य पाषाण काल है तो मध्य पाषाण काल ही आपका आंसर होगा। मध्य पाषाण काल और नव पाषाण दोनों अगर अलग अलग ऑप्शन दिए हों तो आपका उत्तर होगा मध्य पाषाण काल। ध्यान रखिएगा कि अगर मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल अलग अलग ऑप्शन में दिए हों तो आपका उत्तर क्या होगा, मध्य पाषाण काल। इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य पाषाणिक स्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसने किया है? जो दमदमा स्थल है वहाँ की बात हो रही है, किसने किया है इनकी हड्डियों का अध्ययन? और अगर दमदमा की बात करें तो दमदमा भी आपका उत्तर प्रदेश का ही स्थल है। तो दमदमा के जो पशुओं की हड्डी हैं इनका जो अध्ययन किया है, ये किया है पी के थॉमस और पी पी जोगलकर ने। इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है निम्नांकित में नेक्स्ट है प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? कुल्ली संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, ईरानी संस्कृति है, सुमेरिया संस्कृति है। तो प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन है? देखिए प्राक और पाश्चात्य यही होता है ना, तो प्राक यानी कि पूर्व, यानी हड़प्पा से पूर्व की संस्कृति यहाँ पे पूछी जा रही है। तो प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन थी? ये थी कुल्ली संस्कृति। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए, कुल्ली संस्कृति। तो ए सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट देखते हैं, काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पर ये चार युग दिए गए हैं और आपको इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना बहुत ही इजी प्रश्न है, लेकिन ऐसे भी प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका चयन कभी भी कठिन प्रश्नों से नहीं रुकता है, चयन जब भी रुकता है वो रुकता है सरल प्रश्नों के गलत कर देने से। अगर सरल प्रश्न होते हैं उन पर हम लोग ध्यान नहीं ज़्यादा देते हैं, ये तो बहुत इजी प्रश्न है, और ऐसे ही इजी प्रश्न का जो ये हमारा माइंडसेट बना हुआ है उसी में वो हमसे गलती कराता है और हम अपना सही उत्तर ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर देते हैं। इसलिए जो आसान से प्रश्न है इनको भी पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, आप ज़रूर पढ़ें। तो देखिए पूरा पाषाण काल है, ताम्रयुग है, मध्य पाषाण युग है, नवपाषाण युग है, तो क्या क्रम होगा? तो ये सबसे पहले है पूरा पाषाण युग वन, उसके बाद में आएगा मध्य पाषाण युग टू, तो वन टू, फिर आएगा नवपाषाण युग यानी कि फोर, और फिर आएगा ताम्रपाषाण युग। तो यहाँ पे सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नवपाषाण युग के साथ साथ ही आप देखते हैं कि धातुओं का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। तो और जो पहली धातु मानव द्वारा प्रयोग की गई थी वो कौन सी थी? वो थी तांबा।
तो इसीलिए नौपाषाण युग के बाद कौन सा युग माना जाता है? ताम्र युग। इस प्रश्न का सही जवाब है सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। तो परिष्कृत औजार क्या है, इन्हीं को कभी कभी पूछा जाता है चकमक उद्योग किस युग की विशेषता है। तो परिष्कृत औजार हो गया या चकमक उद्योग हो गया, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए और ये पूछा गया है, चकमक उद्योग भी पूछा गया है, तो ये किस युग की विशेषताएं हैं? निम्न पुरापाषाण युग है, उच्च पुरापाषाण युग है, मध्य पाषाण युग है और नवपाषाण युग है। तो ये जो है चकमक उद्योग या परिष्कृत औजारों का जो युग है, ये है उच्च पुरापाषाण युग। और यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ तो परिष्कृत औजारों का युग पूछा गया, तो परिष्कृत औजारों का जो युग है ये उच्च पुरापाषाण युग है। साथ ही साथ अभी जैसे हमने चर्चा किया चकमक उद्योग, तो चकमक और चमकदार या पॉलिशदार दोनों में फर्क है। तो जो पॉलिशदार औजार बने हैं या चमकदार जो औजार बने हैं वो नवपाषाण युग में बने हैं, लेकिन चकमक उद्योग जो है ये उच्च पुरापाषाण युग की विशेषता है। यहाँ पे पूछा जा रहा परिष्कृत औजारों का युग, तो उच्च पुरापाषाण युग। नेक्स्ट देखते हैं। पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी, मानव कब आग के आग से परिचित हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। निम्न पुरापाषाण युग है, उच्च पुरापाषाण युग है, मध्य पाषाण युग है, फिर नवपाषाण युग। तो जो मानव है ये आग से परिचित हो गया था निम्न पुरापाषाण काल में ही, यानी कि बिल्कुल प्रारंभिक दौर में ही ये आग से परिचित हो गया था, लेकिन इसे आग के उपयोग का ज्ञान नहीं था। यहाँ पर गलती से भी ये आप नवपाषाण युग मत करिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है मानव काल की जानकारी कब हुई, तो जानकारी उसको निम्न पुरापाषाण काल में हुई थी, जबकि उस देखता था कि अगर कोई दो पत्थर आपस में तेजी से रगड़ दिए जाते तो उनसे आग लग जाती है, कहीं कुछ भी इस तरह से पता लगा आग लगी, दो पत्थर रगड़े उनसे जो घर्षण हुआ आग लगी, जंगल जलने लगे, तो इस तरह की जानकारी उनको थी। लेकिन किस तरह से आग का उपयोग किया जा सकता है, उसको खाना बनाने के लिए किया जा सकता है, अपनी ठंड मिटाने के लिए किया जा सकता है, इस तरह की जानकारी उनको नहीं थी। तो आग की जानकारी निम्न पुरापाषाण काल में हुई, जबकि आग का उपयोग करना सीखा था नवपाषाण युग में। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, निम्न पुरापाषाण युग। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किस काल को संक्रमण काल कहा गया है, वो काल जो संक्रमण, संक्रमण क्या होता है, जब दो चीजें एक साथ आपस में मिल रही होती हैं, तो किसे कहा गया है संक्रमण काल? तो संक्रमण काल कहा गया है मध्य पाषाण युग को। मध्य, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आप करेक्ट कर लीजिएगा, मध्य पाषाण काल को ही संक्रमण काल कहा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण बने थे, जो मध्य पुरापाषाण है उसके उपकरण किस चीज से बने होते थे, कोर से, फलक से, ब्लेड से, ताम्र से? तो देखिए ये जो उपकरण थे पुरापाषाण युग के, तो इसमें निम्न पुरापाषाण है, मध्य पुरापाषाण है और उच्च पुरापाषाण। पहले तो आप ये समझिए कि जो पाषाण काल है इसको तीन भागों में बांटा गया, पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। फिर जो पुरापाषाण युग को है अगेन इसको थ्री पार्ट में बांट दिया गया, कौन कौन सा? निम्न पुरापाषाण युग, मध्य पुरापाषाण युग और उच्च पुरापाषाण युग। तो जो ये तीन जो डिवीजन हुआ है उच्च पुरा, निम्न पुरापाषाण से लेकर के उच्च पुरापाषाण तक, तो वो किस तरह से हुआ है, जो उपकरण थे उन्हीं की टेक्निक के आधार पर ये डिवीजन किया गया है। तो जो निम्न पुरापाषाण था उसमें जो उपकरण बनते थे वो बनते थे कोर से, जबकि जो मध्य पुरापाषाण है उसमें बनते थे फलक से, और जो उच्च पुरापाषाण है उसमें बनते थे ब्लेड से। यहाँ पे पूछा जा रहा है मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण बने थे, तो ये बनते थे फलक से। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, फलक से बनते थे। नेक्स्ट देखते हैं। पूर्व पाषाण युग के लोगों का मुख्य उद्यम क्या था? शिकार है, कृषि है, पशुपालन है, उक्त में से कोई नहीं। तो क्या करते थे ये लोग? तो कृषि का तो इनको ज्ञान था नहीं, पशुपालन भी मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था, तो इन जो है शिकार, शिकार इनका मुख्य उद्यम था। और शिकार क्यों करते थे? अपनी भूख मिटाने के लिए लोग शिकार किया करते थे। नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? तो कहाँ से कृषि के प्राचीनतम उल्लेख मिले हैं? बोरी है, इनाम गांव है, गिलुंड है, मेहरगढ़ है। तो ये मिले हैं मेहरगढ़ से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, मेहरगढ़। अब आपको ध्यान रखना है तीन साइट्स, एक है लहुरादेव, एक है मेहरगढ़ और एक है कोल्डिहवा। तो जो सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला है वो मिला है लहुरादेव से धान का,
उसके बाद जो मिला है वो मेहरगढ़ से मिला है और फिर मिला है कोलडिहवा से। अब ऑप्शन में आपके क्या दिया हुआ है? अगर यहाँ पर ऑप्शन में दिया होता कोलडिहवा और मेहरगढ़ ना दिया होता, यही ऑप्शन होते मेहरगढ़ की जगह पे कोलडिहवा होता तो आपका उत्तर हो जाता कोलडिहवा। अगर यहीं पर मेहरगढ़ की जगह पे होता लहुरादेव तो आपका उत्तर हो जाता लहुरादेव। लेकिन अगर लहुरादेव भी हो, मेहरगढ़ भी हो और कोलडिहवा भी हो, तब आपका उत्तर हो जाएगा लहुरादेव। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कृष्ण के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं, तो यहाँ पे मेहरगढ़ ऑप्शन में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही जवाब है डी, मेहरगढ़। नेक्स्ट देखते हैं, चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है, तो चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है ये आपको बताना है। और यहाँ पे राज्यों के नाम दिए गए हैं, बिहार है, बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तो कहाँ से मिला है ये आपको बताना है। तो जो चावल के प्राचीनतम प्रमाण पाए गए हैं वो पाए गए हैं उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी, सॉरी सी, उत्तर प्रदेश से पाए गए हैं चावल के प्राचीनतम साक्ष्य। और अगर बात करें कि चावल का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है, तो ये मिला है लहुरादेव से, जो कि कृषि के प्रमाण का प्राचीनतम स्थल है। तो कृषि के साक्ष्य जहाँ से मिले हैं उसका प्राचीनतम स्थल कहाँ है, लहुरादेव है। और वो कहाँ स्थित है, तो वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब है सी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये आपको बताना है। कश्मीर के बुरजोम से, बिहार के चिरान से, उत्तर प्रदेश के कोलडिहवा से, गुजरात के लोथल से। देखिए, गुजरात के लोथल से चावल का साक्ष्य मिला है, लेकिन वो हड़प्पन सभ्यता का है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है प्राचीनतम, तो प्राचीनतम जो मिला है वो मिला है उत्तर प्रदेश के कोलडिहवा से। तो सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के कोलडिहवा से। और ये जो कोलडिहवा है ये भी इलाहाबाद के, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, और यानी कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, उत्तर प्रदेश के कोलडिहवा से। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं और ऐसा प्रश्न आपके लिए इसीलिए लेकर के आए हैं कि कभी परीक्षा में आ जाए तो आपसे गलती ना हो। कोलडिहवा से, लहुरादेव से, मेहरगढ़ से, तो क्या इसका सही उत्तर होगा, अभी आपसे चर्चा की जा चुकी है। तो क्या लहुरादेव, प्राचीनतम लहुरादेव से मिले हैं। अगर वन नंबर पे रखेंगे तो लहुरादेव हो जाएगा, टू पे मेहरगढ़ हो जाएगा, थ्री पे कोलडिहवा हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, लहुरादेव से। नेक्स्ट देखते हैं, कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान है, तमिलनाडु है, तो कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में बात की जाए कायथा संस्कृत की खोज किसने की थी, तो खोज की थी वी एस वाकड़कर ने। और ये जो कायथा संस्कृति है ये मूलतः ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। तो यहाँ इस प्रश्न का सही जवाब है बी, मध्य प्रदेश, और ये एक ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। नेक्स्ट देखते हैं, ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की गई थी, अभी आपसे चर्चा की, किसके द्वारा खोज की गई थी, वी एस वाकड़कर के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, वी एस वाकड़कर के द्वारा ही कायथा संस्कृति की या ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, कायथा पुरा स्थल किस नदी पर स्थित है? तो आपको नदी बतानी है किस नदी पर स्थित है, बनास है, बेतवा है, केन नदी है, छोटी काली सिंध नदी है। तो किस नदी पर कायथा पुरा स्थल स्थित है, तो ये स्थित है छोटी काली सिंध नदी पर। और आपको बताया कायथा की जो खोज की थी किसने की थी, वी एस वाकड़कर ने। इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं, हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी, किसके द्वारा खोज की गई थी? हथनोरा में पूर्व पाषाणिक जो मानव के जीवाश्म है उनकी खोज किसके द्वारा की गई थी ये आपको बताना है। तो किसके द्वारा की गई थी, ए के सोनकिया है, एस टी संकालिया है, बीबी लाल है, जी आर शर्मा है, तो ये की गई थी ए के सोनकिया के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, ए के सोनकिया के द्वारा की गई थी पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज हथनोरा में। और ये कब की गई थी, ये की गई थी 1982 में। और किसी परीक्षा में इसका वर्ष भी पूछा गया था कि कब की गई थी, तो आपको ये मालूम होना चाहिए 1982 में इसकी खोज हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमोनिड जीवाश्म की खोज की गई थी? तो होमोनिड जीवाश्म, आपको होमोनिड और होमोनाइड आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो होमोनाइड्स थे उन्हीं से ही आगे चल करके
होमोनिड्स का विकास हुआ है, जो मानव विकास में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर होमोनिड जीवाश्म की खोज की बात हो रही है, तो कहाँ से पाया गया है होमोनिड जीवाश्म? तो ये पाया गया हथनोरा से, और इसी की खोज की थी किसने? एके सोनाकिया ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, हथनोरा से मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई है? तो जो जोरवे संस्कृति है उसका नाम किस राज्य से मिला है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नाम पर ही जोरवे संस्कृति का नाम रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ताम्रपाषाणकालीन स्थल गुफ कराल किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर जो ताम्रपाषाण की एक साइट है उसकी बात हो रही है, और साइट कौन सी है? गुफ कराल है। गुफ कराल इसका हिंदी में अर्थ होता है कुम्हार की गुफा, तो कुम्हार का घर। तो इस तरह से, तो ये जो गुफ कराल है इसकी खोज ये किस राज्य में है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा पुरास्थल महाराष्ट्र में नहीं है? निवास है, इनाम गांव है, दायमाबाद है, माहेश्वर है। और ये जो प्रश्न है ये पीजीटी 2021 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो निवास, इनाम गांव, दायमाबाद ये तीनों ही है महाराष्ट्र में, जो नहीं है वो है माहेश्वर। ये कहाँ है? ये कर्नाटक में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, माहेश्वर जो है ये महाराष्ट्र में नहीं है। जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिलता है, जो सबसे जो अधिवास विन्यास है उसका सबसे अच्छा प्रमाण कहाँ से मिलता है? इनाम गांव है, जोरवे है, बालकी है, नवदा टोली है। तो इसका जो सबसे अच्छा प्रमाण मिलता है वो मिलता है इनाम गांव से। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, इनाम गांव। नेक्स्ट देखते हैं, इनाम गांव पूरा स्थल है किस संस्कृति से संबंधित है? यहाँ पर संस्कृतियाँ दी गई हैं, आपको बताना है कायथा संस्कृति है, जोरवे संस्कृति है, हार संस्कृति या फिर रंगपुर संस्कृति है। तो आप बताना है कि ये किस संस्कृति का है। अभी आपने पढ़ा है पिछले प्रश्न में कि जोरवे संस्कृति का जो सबसे अच्छा जहाँ पर अधिविन्यास मिला है वो किस स्थल पर मिला है? इनाम गांव में मिला है। तो ये जोरवे संस्कृति का ही एक स्थल है, तो इनाम गांव जोरवे संस्कृति की ही साइट है। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, जोरवे संस्कृति। नेक्स्ट देखते हैं, फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? तो हार्वेस्टर की बात हो रही है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है कश्मीर से। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, कश्मीर से हार्वेस्टर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और ये नवपाषाणकालीन एक उपकरण है। नेक्स्ट देखते हैं, शवाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, तो ये कहाँ से मिले हैं? आपको बताना है बुरझोम है, गुफकराल है, मेहरगढ़ है या फिर चिरांदे। तो कहाँ से मिले हैं जहाँ पर मानव के साथ साथ जो पशु हैं उनको भी दफना दिया जाता था? तो ये इस तरह के जो साक्ष्य मिले हैं ये साक्ष्य मिले हैं बुरझोम से। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, बुरझोम से इसके साक्ष्य मिले हैं। और बुरझोम कहाँ है? तो ये जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन पाषाण युगीन निवासियों को निम्न में से किस विषय का ज्ञान था? और ये प्राचीन पाषाण युगीन चित्रांकन है, कृषि है, शिकार है, पशुपालन है, तो किस चीज़ का इनको ज्ञान था? चित्रांकन, कृषि, शिकार, पशुपालन, तो ये इनको जो ज्ञान था ये था सिर्फ शिकार का ज्ञान। चित्रांकन का ज्ञान अगर बात करें तो उच्च पूरा पाषाण काल का जो मानव था उसे चित्रांकन का ज्ञान था, जैसा कि भीमबेटका से जो शैल चित्र मिलते हैं वो उच्च पूरा पाषाण काल से प्रारंभ हो जाते हैं। तो यहाँ पर लेकिन चित्रांकन, ये प्राचीन पाषाण की बात है तो यहाँ पर चित्रांकन परंपरा नहीं शुरू हुई थी। यहाँ पर जिस चीज का, जिस विषय का ज्ञान था वो था शिकार। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस एक पूरा स्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कौन सा ऐसा एक पूरा स्थल है जहाँ से नवपाषाण काल से हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष मिले हैं? तो वो जो जो स्थान है वो है आमरी। तो आमरी से ही नवपाषाण से लेकर के हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया था? कहाँ? उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण, तो ये किसने प्राप्त किया था? जी आर शर्मा है, मार्टिन व्हीलर है, रॉबर्ट ब्रूसफुट है, ले मिश्र है। देखिए रॉबर्ट ब्रूसफुट का संबंध किससे है? पूर्व पाषाण युग से। तो यहाँ पे नवपाषाण युग से मतलब नहीं है। तो ये जिसको मिले थे वो थे ले मिश्र, और ले मिश्र को 1860 के 1860 ईस्वी में इनको ये जो नवपाषाण युगीन उपकरण है ये प्राप्त हुए थे। और अगर बात करें कि इनको कहाँ से मिले थे तो इलाहाबाद जिले में ही। कई बार पूछ लिया था जिला, तो इलाहाबाद यानी कि आपका प्रयागराज,
प्रयागराज जिले में, और अगर घाटी पूछ लिया जाए, नदी पूछ लिया जाए, तो जो टोंस नदी है उसी की घाटी से ये उपकरण प्राप्त हुए थे। तो अगर कभी नदी पूछ लिया जाए, घाटी पूछ लिया जाए, तो आपको बताना है टोंस नदी के क्षेत्र। निम्न में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? तो कौशाम्बी है, निवासा बुरझोम है, ब्रह्मगिरी है। तो कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है ये आपको बताना है। तो जो प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है, देखिए निवासा आपने पढ़ाई है, बुरझोम भी है, ब्रह्मगिरी नौपाषाणकालीन साइट है, और जो नहीं है वो है कौशाम्बी। कौशाम्बी नौपाषाणकालीन स्थल नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया। तो मनुष्य ने कृषि का ज्ञान कब प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया था नौपाषाण काल में, और नौपाषाण युग के मानव की यही विशेषता थी। नौपाषाण काल में हम क्या देखते हैं कि मानव में स्थायित्व आ गया था, उसका जीवन स्थायी हो गया था। स्थायी क्यों हो गया था? क्योंकि अब उसने कृषि कार्य शुरू कर दिया था। अब अगर आपने फसल लगाई है कहीं, तो आप उस फसल को लगाएंगे, फिर उसके पकने तक इंतजार करेंगे, फिर उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप उस एक जगह पर रुकेंगे। तो इसी वजह से नौपाषाण काल में स्थायित्व आया। स्थायित्व आने का जो मुख्य कारण था वो कृषि प्रक्रिया ही थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, नौपाषाण काल में कृषि का ज्ञान प्राप्त किया। नेक्स्ट देखते हैं, भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? मंदिरों के लिए, मूर्तियों के लिए, शैल चित्रों के लिए, बौद्ध और जैन गुफाओं के लिए। तो जो भीमबेटका है ये प्रसिद्ध है अपने शैल चित्रों के लिए। और अगर बात करें भीमबेटका की, तो भीमबेटका में जो शैल चित्र मिले हैं ये उच्च पूरा पाषाण काल से मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, हालांकि इनका जो चरम है वो मध्य पाषाण काल में देखने को मिलता है। लेकिन अगर कभी पूछा जाए कि किस काल से प्रारंभ होते हैं, तो शैल चित्र जो हैं ये उच्च पूरा पाषाण काल से मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण कालीन चित्रित शैलाश्रयों के लिए जाना जाता है? तो वही प्रश्न है, कौन सा है स्थल? ये है भीमबेटका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये मध्य प्रदेश में है, ये आपको मालूम है। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ है? तो रायसेन जिले में है। इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आकर के हमारे प्रश्न पूरे हो जा रहे हैं इस टॉपिक से संबंधित। तो आशा है कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं आप लोगों को लगता है कि किसी प्रश्न में कोई दुविधा है, या कोई अन्य प्रश्न है जो आपने कहीं से पढ़ा है और आपको उसका उत्तर नहीं आ रहा है, तो बिना संकोच के आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको आपके प्रश्न का उत्तर अगले सेशन में अवश्य दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ किसी विशेष टॉपिक पे अगर आप लोगों को कोई डिमांड है कि आप किसी टॉपिक को आपको पढ़ना है, ये तो हमारा चलता ही रहेगा, ज्वाइन सेंट हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, लेकिन पर्टिकुलर कोई टॉपिक हो, चाहे वो आपका एंशिएंट का हो, मिडिवल का हो, या मॉडर्न का हो, तो कहीं से भी अगर कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो आपको लगता है कि आपको सही से समझ में नहीं आया है, यकीन मानिए अगर आप कोई ऐसा टॉपिक भेजते हैं जिस पे आपको कुछ डिटेल में चर्चा चाहिए है, तो हम उसको उसी तरह से पढ़ा देंगे कि आप दोबारा कभी भी उस टॉपिक से रिलेटेड समस्या तो आपकी समाप्त ही हो जाएगी, दोबारा कभी भी आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, किसी भी तरह की दुविधा की स्थिति में नहीं आएंगे, यकीन रखिए। तो जहाँ भी कोई भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स के थ्रू अपना शेयर कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, और अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। और ये टॉपिक परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे साथ साथ में आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है। तो जो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता है, इस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे कोई भी परीक्षा हो, किसी भी आयोग की परीक्षा हो, हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों की अच्छी संख्या रहती है। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है, समझना है। तो अगला टॉपिक हड़प्पा संस्कृति, मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहिए अपनी तैयारी में और अपनी सफलता सुनिश्चित करिए। थैंक यू।